हेलो हाय 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 मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनु दल भी 92.7 बिग एफएम बी और आज बिग टॉकीज में वंस अगेन आप समझ गए कि कौन है मेरे साथ जिसके लिए आपका दिल आज भी कितना पागल है यार शाहरुख खान गाइस जिनकी फिल्म रईस 25 तारीख को रिलीज हुई और बड़ा विस्फोटक परफॉर्मेंस दिया बड़ा इंटेंस परफॉर्मेंस दिया वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल हिज कल होना होज एंड कुछ कुछ होता है इस टाइप्स आई मस्ट से यू नो पिछले एक दो सालों में काफी एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं यार यू नो फैन देखो या डियर जिंदगी नाउ ऑफ कोर्स रईस पिछले हफ्ते भी मेरे साथ है अनिरो दलवी के साथ एक्सक्लूसिवली आज शाहरुख खान वंस अगेन 92.7 बिग एफएम उनकी मेरी मुलाकात बस कुछ ही दिनों पहले हुई जब मैं महबूब स्टूडियो में गया उनसे मिलने के लिए एक हैबिट अपनी अभी भी जो आप बदलना चाहेंगे जो आप नहीं बदल पाए आई शुड स्टॉप स्मोकिंग आई थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स दैट राज एंड राहुल डिड इन लव इन ऑल योर फिल्म्स एक जो सबसे रोमांटिक यादगार लम्हा है विच यू कैन नेवर फॉरगेट ऑफ ऑल द रोमांटिक थिंग्स दैट यू हैव एवर डन फॉर गर्ल्स इन फिल्म्स आई डोंट नो यार मतलब आई जस्ट फील आई एम नॉट लाइक दैट I keep telling people. Okay, yeah, then I want to know ki that wo romantic image aapka persona ek chhap bani hui hai. How close are you to that in real life? Main ladkiyon se bahut sharmata hoon. Aur ye honest truth hai. I'm not very good with ladies at all. I never have been and I don't think I ever will be. Yeah, when I'm performing or something I can, you know, say things that I say. But I think kyunki main ladkiyon se sharmata hoon. तो मैं जो भी डायलॉग लड़की को बोलता हूँ और पास या बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें या तुम पास आए यू मुस्कुराए जो भी कहता हूँ आई थिंक मेरी आंखों में क्योंकि शर्मीलापन है वही सबसे रोमांटिक बात दीवाना और दिल आशना है कि शाहरुख खान और आज के शाहरुख खान में एज अ पर्सन सबसे बड़ा फ़र्क क्या है यू हैव ऑब्जर्व्ड आई थिंक आई एम जेंटलर एंड आई एम मोर पेशेंट एंड आई एम लेस at loggerheads with the world or trying to achieve something because I think I have children now and with children you become vinamra or you become a little more patient and gentle guys ab main jo gana sunane wala hu ye shahrukh khan ka bahut hi pasandida gana bhi hai aur unki bahut hi pasandida jodi ka gana hai kaun si jodi batayenge wo khud kuch hi der mein shahrukh khan aa jaane rodal bhi ke sath exclusively big talkies mein 92.7 big fm By the way guys, आपको पता है शाहरुख खान शर्मिला टैगोर के बहुत बड़े फैन थे किसी जमाने में शर्मिला जी का गाना शाहरुख सिर्फ तुम्हारे लिए आज शाहरुख खान वंस अगेन टॉकिंग अबाउट रईस एंड अबाउट लव टॉकिंग अबाउट वुमेन मैरिज बिग टॉकीज में अनिरुद्ध दलवी के साथ एक्सक्लूसिवली 92.7 बिग एफएम आपने कहा था इन कुछ कुछ होता है कि हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं एक ही बार प्यार करते हैं डू बिलीव इन दैट या आपको लगता है कि प्यार रियल लाइफ में एक बार से ज़्यादा हो सकता है जिसको जो भाई यार मतलब आपको 10 बार करना है 10 बार करो प्यार की ऐसी परिभाषा होनी नहीं चाहिए कि एक बार है कि 2 बार है कि 3 बार है कि 11 बार है जिसको जिस वक्त जैसा हुआ वैसा हुआ आई थिंक द ब्यूटी ऑफ लव इज़ दैट दैट इट कैन हैपन एनी टाइम एट एनी एज एनी स्टेज विद एज मैनी पीपल और नेवर एवर सो आई डोंट थिंक उसको कन्फाइन करना चाहिए कि एक बार जीते हैं अच्छा लगता है कहते हैं एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं प्यार भी एक बार होता है और शादी वो मैंने कंप्लीट नहीं किया था और शादी ऐसे ही बोला था तुम नहीं समझोगे दिल्ली कुछ कुछ होता है बट आई थिंक लव इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम जिसको जैसा जिसके साथ जो करना है और अगर वो हाउ टू से अगर एक दूसरे की रजामंदी के साथ है लव इज़ नॉट टू बी जज्ड एंड दिल तो पागल है मैं देयर वाज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ हर किसी के लिए कोई एक बना है यू बिलीव इन दैट यार तुम बड़े डीप क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे यार हाँ हर किसी के लिए कोई एक बना है अलग अलग वक्त पे अलग अलग वक्फे पर अलग अलग जगह पर बट आई एम श्योर देर इज़ यार यू नो ऑल ऑफ अस डू मैं ऐसा सुनता हूँ लड़कियाँ बहुत बोलती हैं सोलमेट आई एम श्योर बना है बट ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें मिल जाए सो मैं ऐसा सिनिकल नहीं हो रहा मैं नेगेटिव नहीं हो रहा बट इंशाल्लाह सबको मिल जाए बट कहीं ना कहीं बना होगा ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे GPS क्या GPS ही होता ना GPS रडार सिस्टम पे आ जाए गाइस ऐसी दीवान की देखी नहीं कहीं देख रहा हूँ मैं आज भी कितने बड़े दीवाने हैं आप शाहरुख खान के आज शाहरुख खान टॉकिंग अबाउट रईस लव मैरिज एंड वुमेन अनिरुद्ध दलवी के साथ एक्सक्लूसिवली 92.7 बिग एफएम
गाइज, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपके सीने में आपका दिल मौजूद है, कहीं खो गया राइट? ऑब्वियसली यार, क्योंकि आज बिग टॉकीज में शाहरुख खान आनेरो दलबी के साथ एक्सक्लूसिवली और 92.7 बिग एफएम, उनकी फिल्म रईस 25 तारीख को रिलीज हुई। हमारी मुलाकात का पहला हिस्सा पिछले हफ्ते मैंने सुनाया था, और आज रईस के साथ साथ वो शादी, मोहब्बत एंड वुमेन के बारे में क्या क्या दिल खोल कर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलत फहमी, मिसकंसेप्शन अबाउट शाहरुख खान, दैट आई एम अ गुड बॉय, but actually girls don't know that, I mean girls know that I'm not a good boy, that's why they like me so much. If you were not an actor, kaun si cheez jo tumhe lagta hai ki tum bahut fabulous hote hai, acha tumne kabhi kiya nahi but you would have been? I think I would have been a good teacher. I always wanted to teach. I really appreciate teachers, coaches, anything. I could have been a sportsman, but I would have been good at sports, one or the other, field hockey or soccer, or I would have been a teacher. One romantic, your all-time favorite romantic retro classic jodi? Abhi kyunki main khud actor ban gaya na, to thoda sa wrong lagta hai kuch main galat bolu to yaar, but I think Rajesh Khanna, Sharmila Tagore, Amit ji, Rekha ji, Dharmendra, Hema ji, and bahut ajeeb sa bataunga main tumko yaar, mujhe na Kumar Gaurav bahut acha lagta hai. Really? Yeah, I love him. And I thought I looked like Kumar Gaurav, and that's why I kind of thought I could be an actor. I mean, he's better looking than me. And unki jodi Vijayta Pandit ke saath. Really? Love story mein, I really like them. Oh guys, this was like completely unbelievable yaar. Kumar Gaurav and Vijayta ko pasand karte hain. Shahrukh Khan, exclusively Anirudh Dalvi ke saath on 92.7 Big FM. Guys, obviously yaar, aaj to aapka dil kahan aapke bas mein hai? Shahrukh Khan jo hai hamare saath. जिनकी फिल्म रईस 25 तारीख को रिलीज हुई, आज आने रोड एलबी के साथ एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफएम। और आपका दिल, मुझे पता है आपके दिल से कौन सी आवाज़ आ रही है इस वक्त। भाई तो ये स्टार फिल्म का गाना है जिसके हीरो थे कुमार गौरव, और अभी अभी शाहरुख ने मुझे चौंका दिया ये बोल के कि कुमार गौरव इज वन ऑफ हिज फेवरेट हीरोज यार फ्रॉम द 80s, लव स्टोरी एंड ऑल दोस फिल्म्स यार, वाओ। इस वक्त शाहरुख खान अनिरुद्ध एलबी के साथ एक्सक्लूसिवली 92.7 बिग एफएम। The crush on an heroine that you had when you were growing up? Growing up, to Mumtaz ji, Saira Bano ji, aur main un dono ka abhi bhi bolta hu, lekin wo mere baalon ko ruffle karke bolti hain beta, so thoda sa kharab ho jata hai wo. And in modern times, Juhi Chawla. One actor you wish you could have worked with, jinke sath kabhi kaam nahi kar paaye, maybe because he is no more or for whatever reasons? Two of them, Sanjeev Kumar ji and Balraj Sahni sir. One role that is the most from all your repertoire, this is really tough, jo aapko lagta hai ki this is closest to the real Shahrukh Khan, aur ek jo aap se sabse zyada mukhtalif hai, sabse zyada dur hai? The search generally, Anirudh, is to try and do me one day. I think sare actors ka sabse bada, at least mera ye hai ki main kab wo role karunga jo mere jaisa hai bilkul. To expose yourself as you are, I think is the most difficult thing for any actor, ki aap jaise aap hain वो आप सबके सामने प्रेजेंट करना एक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है। बट कभी हाँ कभी ना, सुनील था शायद मैं उसमें, एंड आई थिंक फैन, लॉट ऑफ इट, ऑफ कोर्स पिक्चर बहुत अलग थी एंड बहुत अलग दिमाग की है। दीज टू वुड बी द क्लोजेस्ट दैट आई हैव बीन, एंड मोस्ट फार रिमूव्ड बिसाइड्स रईस ऑफ कोर्स। हाँ रईस, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुई यार, आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल ऐसा ना बोलूँ मैं, बट या आई थिंक आई एम नॉट लाइक डॉन, आई एम नॉट कूल लाइक डॉन, डॉन इज फार रिमूव फ्रॉम मी। गाइस, कभी हाँ कभी ना, वन ऑफ शाहरुख खान्स वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, जो कहते हैं कि उनकी काफ़ी झलक इस फिल्म में आपको दिखाई देगी। आज शाहरुख खान आनेरो दलवी के साथ एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफएम। गाइस, कल होना हो इसलिए जितने सारे सवाल हो सके मैं आज पूछने की कोशिश कर रहा हूँ शाहरुख खान से, जिनकी फिल्म रईस 25 तारीख को रिलीज हुई, आज आनेरो दलवी के साथ एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफएम। वन थिंग दैट यू आर एक्सट्रीमली पजेसिव और ऑब्सेसिव अबाउट? माय चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन यार, आई थिंक आई एम ऑब्सेसिव अबाउट माई चिल्ड्रन, जो बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, बट आई एम ऑब्सेसिव अबाउट देम। ओके, आपने गुजराती थोड़ी बहुत तो सीखी होगी फॉर रईस, डिड यू मैनेज टू लर्न हाउ टू से आई लव यू इन गुजराती? आई वुड लव यू टू से इट, अगर आप आई लव यू गुजराती में बोलें। सिखा दो, मैं बोल दूंगा, क्योंकि मुझको लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोलता उनको। क्या बोलते हैं? आई लव यू, आई डोंट नो गुजराती में, हाउ वुड यू, हैव यू लर्नड इट?
मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, केम छो मजा मा, बट आई लव एनीवन नोस। अरे वो तो गाना था ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गलती में बोला तमें प्रेम करूं छू। हाँ, अमित जी कम्स बैक टू रेस्क्यू अगेन यार। Guys, that's Shah Rukh Khan aaj, RAEES ki film, RAEES release hui hai 25 tarikh ko, and what a pleasure yaar, what a charmer, aaj Annu Rudal bhi ke saath exclusively on 92.7 Big FM. By the way, ye jo gana hai Amitabh Bachchan ka jo main sunane ja raha hu, sochi ki ye sari bhashaon mein I love you, Shah Rukh Khan aap se keh rahe hai. By the way guys, Shagird ka gana, Saira Banu ka gana, Shah Rukh Khan ke liye jo bachpan mein ek to Mumtaz aur ek Saira Banu ke adaon ke kuch zyada hi kayal the. Aaj Shah Rukh Khan आने रोदेल के साथ एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफएम, उनकी फिल्म RAEES 25 तारीख को रिलीज हुई है, और ये बाय द वे इस मुलाकात का दूसरा हिस्सा है। पिछली बार उन्होंने RAEES की बात की थी, और इस बार टॉकिंग अबाउट वुमेन, लव, मैरिज। और अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, ढान, आप सोच भी नहीं सकते शाहरुख खान ने क्या जवाब दिया। लास्ट में आई वॉन्ट यू, आई एम गोना गिव यू सम नेम्स एंड ऑफ योर हीरोइंस, एक वर्ड जस्ट डिस्क्राइब देम इन एनी इन वन वर्ड, माधुरी दीक्षित। Okay, I'll try and find a good word for her, because I want to tell her manly, but that would sound wrong. Strongest. Juhi Chawla. Prettiest. Kajol. Maddest. Deepika Padukone. Tallest. Anushka Sharma. Simplest. Priyanka Chopra. Bestest. Rani Mukherjee. Loveliest. And lastly, Preeti Zinta. Dimplest. शाहरुख खान को अगर आप एक रंग में समेट सकते हो, वो एक रंग कौन सा होगा दैट डिफाइंस यू? आई डोंट नो, वाइट। कुड यू बी एज क्रेजी इन लव एज इन डर? आई एम। कुड यू वेट फॉर समबडी फॉर 22 इयर्स जैसे वीर ज़ारा में? नो, दैट बी स्टूपिड, दैट बी स्टूपिड। डीडीएलजे की तरह क्या आप पेरेंट्स की रजामंदी के लिए वेट करते या भगा ले जाते दुल्हनिया को? समवेयर इन बिटवीन। एंड लास्ट में, कभी हाँ कभी ना से ये सीखा हमने कि प्यार और जंग में सब चीज़ जायज़ होती है, डू बिलीव दैट? कभी हाँ कभी ना में, वेल यू डिड ट्राई एवरीथिंग यू नो बेसिकली टू गेट द गर्ल, राइट, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। सो आई बिलीव दैट यू नो दैट होल कॉन्सेप्ट ऑफ कि भाई प्यार में आप यू नो हर चीज़ जायज़ होती है, इफ़ यू वॉन्ट गेट समबडी, डू बिलीव दैट? या, यस, आई थिंक। लास्टली शाहरुख खान इन वन वर्ड, सेक्सी। और क्या, और बहुत कुछ शाहरुख खान से मुझे बोला यार अगली बार ही सही, पर आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने कहा कि आज भी उनकी सबसे फेवरेट हीरोइन मेरी जूही चावला है गाइस। और शाहरुख खान बिग टॉकीज में आने रोड एलबी के साथ एक्सक्लूसिवली 92.7 बिग एफएम।